नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद आप सबको, और खैर मकदम आपका हमारे YouTube चैनल नज़ीर कुरैशी पर आज सुबह में। दोस्तों, यूं तो अगर नए साल को मनाए जाने पर उसके इतिहास पर बात करना शुरू करेंगे तो पूरा एक वीडियो भी वक्त कम पड़ेगा। हम सिर्फ बात करेंगे कि इसकी शुरुआत कब हुई। तो इसकी शुरुआत हुई 15 अक्टूबर 1582 में, तय किया गया ग्रेगरियन कैलेंडर के हिसाब से कि 1 जनवरी को नया साल मनाया जाएगा, और तब से 1 जनवरी को नया साल मनाया जाने लगा। उसके पहले 25 दिसंबर या 25 मार्च को भी नया साल मनाया जाता था। तो एक बार फिर से नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। दोस्तों, आज हम पेमेंट करते हैं या पेमेंट करना चाहते हैं, पैसा कहीं से कहीं भेजना चाहते हैं, तो मोबाइल हाथ में उठाया, बटन दबाए, ऐप पर गए और सेकंड्स में पैसा इधर से उधर। लेकिन एक जमाना था जब शहर गया हुआ बच्चा पैसे की जरूरत होती थी तो पिता पोस्ट ऑफिस का रुख करते थे, या कोई पति बाहर गांव में नौकरी कर रहा है, पत्नी और घर वाले माँ बाप को पैसा भेजना है तो वो पोस्ट ऑफिस का रुख किया करते थे मनी ऑर्डर करने के लिए। मनी ऑर्डर की जो शुरुआत हुई थी वो 1 जनवरी 1880 से हुई थी। इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता, यथाज रात हिंद की दफा फला फला फला, ये फिल्मों में अक्सर आपने संवाद भी सुना होगा। तो ये हमारी दंड प्रक्रिया का एक हिस्सा इंडियन पेनल कोड, इसको लागू किया गया था 1 जनवरी 1862 से। WTO, विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को। इसमें वर्तमान में 164 देश इसके सदस्य हैं। इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। आज ही के दिन यानी 1 जनवरी 1875 को उत्तर प्रदेश के मोहन में पैदा हुए थे प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मौलाना हसरत मोहानी, जो कि खिलाफत आंदोलन के भी नेता थे। उनकी लिखी हुई एक बहुत ही मशहूर गजल है, चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। वो संविधान सभा के सदस्य भी रहे और उन्होंने 2 मशहूर नारे दिए, इनकलाब जिंदाबाद और मुकम्मल आजादी, आजादी ये मुकम्मल या पूर्ण स्वराज। तो हम आज उनके जन्मदिन के अवसर पर उनको खराज अकीदत पेश करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो आज के आज सुबह में सिर्फ इतना ही, कल सुबह फिर हम हाजिर होंगे आज सुबह लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। जय हिंद।